निलेश शाह जुड़े हैं। और निलेश भाई, समहाउ मैंने रियलाइज़ किया है कि जब भी हम ऑल टाइम हाई पर होते हैं तो स्क्रीन पर हमारे साथ निलेश भाई होते हैं। निलेश भाई, गुड मॉर्निंग। एक लकी चार्म हैं आप, मार्केट ऑल टाइम हाई पर। अच्छा निलेश भाई, एक बात बताइए, ऑल टाइम हाई पर हैं हम। मैं डेटा पढ़ रहा था कि म्यूचुअल फंड के पास इस समय आप करीब करीब 2 लाख करोड़ का कैश हो गया है। क्या आप म्यूचुअल फंड आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, वो वाली बात हो गई है, मार्केट इतना बढ़ गया है, या फिर एक ये नॉर्मल है, बीच बीच में ऐसे फेजेस आते रहते हैं? अनुज भाई, अगर मैं वाकई में लकी चाम होता तो मैं हर रोज आपके चैनल पे आता। आप आ जाइए, हम बट वी आर हैप्पी, हम हैप्पी हैं आपको रोज होस्ट करने के लिए। ये संयोग की बात है, लक जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असेट एलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा देता है अपने क्लाइंट के लिए, या जब कोई निवेशक हमें पैसा देता है, तो वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए देता है। वो अपने वहां पे असेट एलोकेशन कर रहा है और फंड मैनेजर जनरली उसे जो मैंडेट मिलता है उसे पूरा करता है। तो अक्रॉस हमारे जितने भी इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, वहां पे हम बहुत कम कैश रखते हैं जो रिडम्पशन के लिए जरूरी हो। हाँ, कुछ निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि असेट एलोकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करें, तो हमारे कुछ फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, असेट एलोकेशन फंड, वहां पे हम कैश कॉल लेते हैं बिटवीन डेट और इक्विटी के बीच में। कुछ फंड की फिलॉसफी अलग होती है, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग फिलॉसफी के तहत अपने फंड को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में आइडिया की कमी है, इस मार्केट में कमी है एक इन्वेस्टमेंट होराइजन की, समय की, अवधि की। जो आदमी आज कह रहा है कि मार्केट बहुत महंगा है, वही ये मानेगा कि 5 साल के लिए निवेश करे तो ये मार्केट रीजनेबल है। जो आदमी ये कह रहा है कि आज मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, उसे अगर कहेंगे कि हम अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दे, कम कर दे, पिछले 5 साल में जो चमत्कार हुआ है वो आगे 5 साल में नहीं होगा ऐसी उम्मीद करे, तो वो भी निवेश के लिए राजी हो जाएगा। तो समय की अवधि, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज की मार्केट के लिए। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कैश पे नहीं बैठेंगे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम करना चाहते हैं वो कैश कॉल लेते हैं। नहीं नीलेश भाई, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, शायद मुझे शुरू में ये ऐड करनी चाहिए थी कि आपके म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2.8% कैश है AUMs का, बाकी कई म्यूचुअल फंड में तो 18-19% तक पहुँच गया है। तो आप तो मोर और लेस इक्विटी में लुक्स लाइक कि फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। नीलेश भाई, इस समय मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं फिर आप? क्योंकि देखिए, पैसा तो लगातार आ रहा है, और मैं एक डेटा पॉइंट पढ़ रहा था कि जून के इलेक्शन के बाद, जब वो मार्केट को थोड़ा लगा कि डिसअपॉइंटमेंट हो गया और अब ये क्या सरकार उतनी स्ट्रांग रहेगी या नहीं रहेगी, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोस डबल हो गए हैं। जो उस समय तक चल रहे थे वो ऑलरेडी काफ़ी हाई थे, वहाँ से डबल हो गए हैं। अब इतना पैसा आ रहा है, आपको मौके मिल कहाँ रहे हैं यहाँ पर? एक सिंपल भाषा में, लाइटर वेन में, कि अनुज भाई, जो चल रहा है वो सस्ता नहीं है और जो सस्ता है वो चल नहीं रहा है। बट निवेशक हमें पैसे इसीलिए देता है कि हम वैल्यूएशन को देख के लगाए, मोमेंटम देख के नहीं। तो हमारे पोर्टफोलियोज में हम एक कैलिब्रेटेड स्विच कर रहे हैं महंगे वैल्यूएशन और महंगे स्टॉक से सस्ते या रीजनेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक में। तो आज की तारीख में डिस्पाइट बैंकिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बावजूद, वो अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन ब्रॉड मार्केट वैल्यूएशन से प्रोबेबली सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे पिछले कई सालों में ट्रेड हो रहा है। आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, मेटल, ये सेक्टर है जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े ऊपर है, थोड़े आसपास है। कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, रेलवे, ये सारे स्टॉक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम स्विच कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पे वैल्यूएशन आज भी आपकी फेवर में है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अनुज भाई, इस वक्त हम अपना सारा समय
निवेशकों को और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाने में लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल का रिटर्न आने वाले 5 साल के में आएगा, इसकी उम्मीद मत रखिए। अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडरेट कर दीजिए। सेकंड, लंबी अवधि के लिए पैसा दीजिए। अगर 3 साल से नीचे का होराइजन है तो इक्विटी की तरफ देखिए भी मत। 5 साल के ऊपर का होराइजन लेके आइए। उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई लेवल पे नहीं है, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करिए और लंबी अवधि का पैसा दीजिए। ओके अच्छा नीलेश भाई, आपका ऑफिस तो BKC में ही है। कोई प्लान है वो एप्पल स्टोर पे जाने का? आज iPhone 16 लॉन्च हुआ है तो। अनुज भाई, हम तो ऐसी जनरेशन में है जिसे फोन चालू करने के लिए यू नो मैनुअल की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए वो जगह नहीं है। मैं इसमें स्टॉक एंगल लेके आने वाला था। PLI स्कीम वाले स्टॉक्स ने बहुत पैसा बना कर दिया है, क्या यहाँ पर अभी भी आपको स्पेस दिख रहा है? एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि अगले 2 सालों में ग्लोबली 25% आईफोन इंडिया में बनेंगे। अनुज भाई, इसमें बॉटम अप स्टॉक्स देखना पड़ेगा। कई कंपनीज में कैपेसिटी नहीं है, तो जब तक नई कैपेसिटी नहीं आएगी वो नए ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगी। कुछ कंपनीज में मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है कि इतने बड़े स्केल को चला पाए। एक्सेल शीट में करना बहुत आसान है कि आज दिन दुगना रात चौगुना प्रोडक्शन एंड सेल्स बढ़ता रहेगा, रियल लाइफ में करने में जान निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से EMS सेक्टर अनडाउटेबली अच्छा लगता है, बट उसमें बॉटम अप सिलेक्ट करिए, जहां पे मैनेजमेंट बैंडविड्थ अच्छी हो और जहां पे कैपेसिटी आ रही हो या अनयूटिलाइज्ड है, ताकि नए ऑर्डर का फायदा उठा पाए। अच्छा नीलेश जी से बात करते करते अभी अगर आप देखें, जब हमने ऑल टाइम हाई छुआ, निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई छुआ, आज ऑटो बहुत दिनों बाद, आज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को देखिए, बहुत दिनों बाद एक लीड लेता हुआ, लुक एट M&M, मारुति, एस्कॉर्ट्स, सब के सब डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट रीड करते हुए। नीलेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं मेरी तरफ से और वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये ऑटो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पिछले लगभग 3 महीने से बड़े एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। डीप डिस्काउंट्स, थोड़ा सा सेल्स कम हुई, इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ी। आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को स्पेशली कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, जिस सेक्टर का जिक्र कर रहे थे आप लोग कि हम यहाँ से यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें वैल्यूएशन स्पेस नज़र आ रहा है, ऑटो कहाँ पर है इस वक्त, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? सुबीरू भाई, ऑटो में हमारी ओवरवेट टू व्हीलर स्टॉक के प्रति है। रूरल डिमांड टू व्हीलर्स में रिकवर होती दिख रही है, मास मार्केट डिमांड भी रिकवर होते हुए दिख रही है, और एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी कुछ अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अब पैसेंजर कार में अभी भी मतलब जो पिछले महीने के नंबर्स आए थे वो नेगेटिव थे, ये महीना श्राद्ध का है तो इस महीने के नंबर्स भी नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से ऑटो स्पेस में सबसे ज्यादा फोकस टू व्हीलर्स पे रखे, पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी सावधानी बरतिए, एंड ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में निवेश करिए। हमें लगता है कि ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में यहाँ से और भी बड़ी तेजी हो सकती है, जैसे हमारी कंपनी लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को सर्विसिंग करे, एंड साथ में प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्षेत्र में चाहे चाहे फिर मोबाइल फोन के लिए बनाए, चाहे रोबोटिक्स के लिए बनाए। तो मेरे हिसाब से वो सारी ऑटो कंपोनेंट कंपनी आने वाले 5-10 साल के लिए ग्रोथ मिसाल बन सकती है। अच्छा एक स्पेस पे और आते हैं नीलेश जी, अभी ऑटो की बात हो गई यहाँ पर। आपने हमेशा आई थिंक मेरे ख्याल से 2020 और 21 के मिड में केमिकल्स पे कॉल ली थी, जो कि 20 21 22 23 तक खूब पैसा कमा के गई। केमिकल्स पे अब आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कैपिटलाइज कर रहे हैं केमिकल्स पे इस पर, स्पेशली इस चीज़ को देखते हुए कि थोड़ा अब डिमांड पिकअप हो रही है और लास्ट लगभग 6 7 8 महीने में या फिर 3 क्वार्टर्स में प्राइस डैमेज काफी हो चुका है स्टॉक्स में? सुबीरू भाई, केमिकल्स में दो चीजें देखनी है।
एक कंपनी कितनी कॉम्पिटिटिव हुई है। कई केमिकल कंपनीज ने पिछले 2-3 साल के खराब समय में अपने आप को री इंजीनियर किया और ब्राउनफील्ड एक्सपांशन के जरिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की, और आज की तारीख में वो चाइना की डंपिंग के सामने भी खड़े रह पा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्लांट का यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज है, केमिकल कंपनी में कौन से लोग निश या स्पेशलिटी केमिकल में हैं। चाइना की जो डंपिंग हो रही है वो ज्यादातर नॉन निश नॉन स्पेशलिटी केमिकल में हो रही है। कुछ स्पेशलिटी केमिकल निश केमिकल्स के दाम भी बढ़ने लगे हैं और उन कंपनीज के शेयर में हमने देखा पिछले कुछ छोटे से समय में, 1 महीने की अवधि में 3-3, 4-4 साल का रिटर्न कवर हो गया। तो हमें लगता है कि केमिकल क्षेत्र में बॉटम अप में उस कंपनी में निवेश करिए जिन्होंने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई है, और जो निश या स्पेशलिटी केमिकल्स में है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टाइम एंट्री इनटू दिस केमिकल कंपनीज। सो जो इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं उसमें निवेश करके बैठ जाइए, हो सकता है कि 2-3 साल का रिटर्न 2-3 महीनों में ही मिल जाए। नीलेश भाई, अब टेलीकॉम पर क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजेक्शन आया AGR प्ली पर, और कंसिडरिंग जिस तरीके से रिटेल में काफ़ी लोगों ने, शायद रिटेल में क्या, इवन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी पैसा खोया होगा वोडाफोन आइडिया में, अब इस सेक्टर पर व्यू क्या बन रहा है? अनुज भाई, इंस्टीट्यूशन अगर पोर्टफोलियो देखे तो जैसे कल किसी ने न्यूज बनाई थी कि कोटक म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ वोडा आइडिया। वेल, हमारे लिए वो आर्बिट्राज पोजीशन है, कैश पोजीशन नहीं है, वो हेज्ड पोजीशन है, डायरेक्शनल पोजीशन नहीं है। तो वोडा आइडिया के शेयर ऊपर जाए नीचे जाए हमारे फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसे हेज करके बैठे हैं, आर्बिट्राज में लगा के बैठे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग, अरे कोटक म्यूचुअल फंड ने लिया है तो अच्छा ही होगा, वो भी साथ में ले लेते हैं। भैया, डायरेक्शनल पोजीशन और आर्बिट्राज पोजीशन में फर्क रहता है, सोच समझ के निवेश करना। सेकंड चीज अनुज भाई, एक फंड मैनेजर रैशनल कॉल ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये कहना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर ये निर्णय कल टेलीकॉम सेक्टर की फेवर में आता तो स्टॉक ऊपर जाते हैं, नहीं आया तो नीचे आ गए हैं। आई डोंट थिंक सो, एज अ फंड मैनेजर हमारे पास ऐसी कोई स्पेशलिटी या कैपेबिलिटी है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। आधे टाइम सही जाएंगे, आधे टाइम गलत जाएंगे। ओवरऑल बिल्कुल टेलीकॉम क्षेत्र पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि लोगों को अब डेटा की आदत पड़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें प्राइस हाइक आती रहेगी जो टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी के लिए अच्छा मुनाफा बना के देगी। वैल्यूएशन इस एंटिसिपेशन में थोड़े चले हैं, बट इस बार शायद ये होगा कि नतीजे देख के लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। बहुत सही बात कही आपने नीलेश भाई, और मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ, क्योंकि जैसा नीलेश भाई ने कहा कि कई लोग सिर्फ ये सोच के ले लेते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने लिया या इस FII ने लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। जैसे नीलेश भाई ने कहा कि उनकी तो फंड की तो आर्बिट्राज पोजिशन है और वो पूरी तरह से हेज्ड है, क्या रिटेल इन्वेस्टर वो कर पाएगा या नहीं। और जो आपने कहा कि आधे टाइम हम गलत पढ़ते हैं आधे टाइम सही पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा मॉडस्ट हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा टाइम सही पढ़ते हैं आप। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप सही पढ़ते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं, और जब आप गलत पढ़ते हैं तो कितना पैसा लूज़ करते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब गलत पढ़ें तो पैसा कम लूज़ करें, ये एक ऑब्वियसली एक चीज़ है जो हमने सीखी है। अच्छा नीलेश भाई, एक और सवाल आपसे, अब ये स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो एग्जांपल देना ज़रूरी है। बजाज हाउसिंग को जिस तरीके का रिस्पांस मिला, उसके बाद जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके की लिस्टिंग के बाद फॉलो थ्रू एक्शन आया, क्या थोड़ा नर्वस कर रहा है वो आपको कि वैल्यूएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, या फिर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट? नहीं अनुज भाई, चिंता जरूर होती है, बिकॉज जब मार्केट इस तरह सरपट भागता है तो एक्सेसेस खड़ी होती है। हमने 2000 में देखा था कैसे TMT बबल में कंपनीज के नाम बदलते थे, फ्रॉम XYZ लीजिंग कंपनी टू XYZ TMT कंपनी, और शेयर भाग जाते थे, नतीजा अंत में खराब हुआ।
2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के समय देखा था, 2017-18 में भी स्मॉल एंड मिड कैप में देखा था। तो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एट अ प्राइस इट इज अ बाय एंड एट अ प्राइस इट इज अ सेल। प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर आप किसी कंपनी को महंगे दाम पे खरीद रहे हैं तो आइधर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत कम है या आप उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी सुपरमैन जैसा परफॉर्मेंस देगी। हमने दोनों चीजों में देखा है कि वो ज्यादातर गलत होता है। तो वैल्यूएशन ही आपका एंकर होना चाहिए किसी भी चीज में निवेश करने के लिए। एंड जनरली मतलब मार्केट का एक ही नियम है, नीचे में खरीदिए ऊपर में बेचिए, सस्ता वैल्यूएशन लीजिए महंगा वैल्यूएशन बेचिए, वहीं से पैसे बनेंगे। अच्छा, यही रूल अगर एक एक, एक सेक्टर पे और अप्लाई करें हम, नीलेश जी, जो नीचे खरीदा था लोगों ने लेकिन ऊपर बेच नहीं पाए, वो थे PSUs। और अभी मैं रीड कर रहा था करीब 10-11 रोज पहले कि PSUs में रिटेल की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई थी। अब सीरियस अनवाइंडिंग हो रही है, सप्लाई स्क्रीन पे विजिबल है, चाहे वो डिफेंस PSUs हों चाहे वो बैंक्स हों। अभी PSUs पे आपकी रीडिंग क्या है, PSUs स्पेशली जिससे जिसको लेकर रिटेल बैठा हुआ है काफ़ी बड़ी मात्रा में, अब कैसे डील करना चाहिए इस प्राइस पे? बिरू भाई, एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मार्केट में भी बिल्कुल वही कहावत अप्लाई होती है, यहाँ पे देर हो सकती है बट अंधेर नहीं है। स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग पावर। PSUs में हम कई टाइम से कह रहे थे कि लो फ्लोटिंग स्टॉक PSUs में वैल्यूएशन बहुत महंगा है एंड जब तक सप्लाई नहीं आएगी शायद उसमें करेक्शन नहीं आए, बट इन दाम पे इन वैल्यूएशन पे निवेश करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अब यही चीज PSUs में बगैर सप्लाई हम देख रहे हैं, स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट करके निकल गया और मोमेंटम मनी या डम मनी फंस गया। मेरे हिसाब से इस वक्त PSU पोर्टफोलियो को आप बॉटम अप तरीके से देखिए, जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक अच्छा है और इसलिए मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस है, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, उसमें करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। बट जिस PSUs में फ्लोटिंग स्टॉक कम था, कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग थी, वैल्यूएशन आसमान को छू रहा था, वहां पे करेक्शन के बावजूद अगर ये कंडीशन मीट होती है तो अभी भी प्रॉफिट बुक करने का समय है। यहां से धीरे धीरे स्विच करके आप क्वालिटी की तरफ आ जाइए, रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ जाइए, मोमेंटम से क्वालिटी की गाड़ी में फेर बदल करने का ये सबसे अच्छा समय है। अच्छा, मैं पॉसिबली आखिरी प्रश्न ले लीजिए यहाँ पर, ये जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल स्पेस था जिसमें सारे के सारे एक्सचेंजेस आते थे, अब तो एक्सचेंज की लिस्टिंग का और IPO का रास्ता खुल गया। डिपॉजिटरीज को देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे वेल्थ क्रिएट करके दिए और हमारे पास विकल्प भी बहुत कम थे इस स्पेस में। इस स्पेस पे आपका टेक, अभी क्या और पैसा बनेगा इस स्पेस में, जिस प्रकार का चाहे वो बाजार में पैसा आ रहा है चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है? सुबीरू भाई, ये ओलिगोपॉली बिजनेस है, डिपॉजिटरी में 2-3 कंपनीज है, एक्सचेंज में एक्चुअली जो रियली ऑपरेशनल है वो 2 या 3 है। तो जनरली इन बिजनेसेस में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मौका मिलता है बिकॉज ओलिगोपॉली है, उनकी टर्फ रेगुलेशन प्रोटेक्ट कर देता है। बट एक बात ये भी याद रखिए, कोई रेगुलेटर ओलिगोपॉली को एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनाने देगा, कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक रुकावट आएगी, एक लिमिट आएगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में अगर आप लंबी अवधि का कॉल ले रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज भारत में 10 करोड़ लोग जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, कल बढ़ के वो 25-30-40 करोड़ हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में निवेश करने के लिए योग्य समय है। तो अगर आप मोमेंटम प्ले कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में ये बहुत चले हैं और आने वाले 1-1.5 साल में ये वैसा ही रिटर्न देंगे, तो आपको सिर्फ निराशा प्राप्त होगी, उतना रिटर्न ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं डिलीवर कर पाएगी।
इसे आप धरोहर के रूप में निवेश करिए, अपने बच्चों को देके जाना, वो भी याद रखेंगे कि उनके पेरेंट ने कुछ सही निवेश किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलेश भाई, और हैव अ गुड वीकेंड। और आज